हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? आकर्षी। कितने दिन आपने मेरे पास लर्न किया, कितने दिन मेरे पास आपने ड्राइविंग सीखी और कौन सी कार से सीखा? हुंडई सेंट्रो। ओके, तो दोस्तों आज मैं इनको लेके आया हूँ, फाइनली क्लास में इनको दे रहा हूँ, जिसमें मैं इनको रिवर्स और पार्किंग और स्लोपिंग, तो मैंने पार्किंग करा दी इनको और मैंने ब्लाइंड टर्न की टर्निंग करा दी है और अभी मैं इनको स्लोपिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। स्लोपिंग पे अक्सर क्या होता है कि मॉल की पार्किंग वगैरह से गाड़ी पीछे आने लगती है या फिर कभी बेसमेंट से हम गाड़ी निकालते हैं तो दिक्कतें आती हैं, तो आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ इनको। अगर आप बात करते हैं तो देखिए, ये मेरी कार खड़ी हुई यहाँ पर और ये मैडम खड़ी हुई हैं, ठीक है? और मैडम मुस्कुरा रही हैं, बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज ये अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रही हैं सभी को। प्लेस का एड्रेस मैं दे दूंगा, आप लोग भी पहुंच जाइएगा। तो ये देखिए, इतना ज़्यादा यहाँ पे स्लोपिंग है। अगर यहाँ से बात करते हैं हम, ये देखिए काफ़ी ऊंची मतलब है। अब आप बैठिए ड्राइविंग सीट पर, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको कार को हाफ क्लच पे और इसको मूव करना है बिना एक्सीलेटर। हाफ क्लच पे चाहे जितनी ऊंची चढ़ाई हो, आराम से आप फर्स्ट गियर में कार को कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है? बिना एक्सीलेटर और बिना ब्रेक के, बस क्लच का आपको पैटर्न समझना है। क्लच को कितना रिलीज करना है, कब और क्यों कितना रिलीज करना है। गाड़ी गियर में एक्टिव होने के बाद अगर आप ब्रेक से पैर हटाओगे तो कार आपकी पीछे नहीं जाएगी, आगे जाएगी। पैरों का पोजिशन है वो सही रखना, ठीक है? पैरों का जो पोजिशन है वो सही रखना। पैर अगर ऊपर बार बार आपका खिसकेगा ना तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है? क्लच को दबाना छोड़ना, इससे ज़्यादा आपका पैर ऊपर नहीं जाना चाहिए। जितना भी पैर है दबाओ पूरा फुल क्लच, हाँ छोड़ो, गुड, फिर दबाओ, फिर छोड़ो, फिर दबाओ, इससे एक इंच भी आपका पैर ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? चलो अभी आप इंजन ऑन कर लो। हो गया, गुड। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट गियर डालो, कंफर्म होना चाहिए फर्स्ट गियर है। अब आपको क्या करना है, इसको धीरे 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 धीरे, ब्रेक दबा रखा है ऑलरेडी, गाड़ी अभी स्लोपिंग पे है। अब धीरे धीरे आपको पहले क्लच को रिलीज करना, जैसे इंजन एक्टिव हो जाएगा, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगेगा, बस आपको धीरे से ब्रेक को रिलीज करना है। ब्रेक फिर नहीं दबा होना चाहिए, हाँ इतने ही क्लच पे, हाँ जाने दो, स्टॉप करो फिर, गुड। अब फिर वही सेम चीज करनी है, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए एक इंच भी। ज्यादा चढ़ाई होगी तो क्लच को थोड़ा ज्यादा एक्टिव करना है धीरे धीरे, हाँ जाने दो, स्टॉप, बस। अब यहीं से गाड़ी को चढ़ाना है। अब गाड़ी आपकी एक्चुअल में स्लोपिंग पे, इसको कहते हैं। अब एक इंच भी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, क्लच को रिलीज करना। और एक चीज़ और, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, बस आपको एक ही दो फीट बढ़ानी है। अब देखो ब्रेक दबा के रखना, ठीक है? और एक्टिव करो अब ब्रेक को, यही चीज़ तो सीखनी है। आप एक्चुअल में देखो गाड़ी पीछे जा रही, ब्रेक लगा लो पूरा फुल, वरना पीछे चली जाएगी। इंजन ऑन करो, अगर इंजन बंद हो जाए तो ब्रेक काम करना बंद कर देता, पावर ब्रेक, इसलिए क्लच और ब्रेक दोनों दबा के तुरंत इंजन को ऑन करना। और ऐसे में अगर नहीं कंट्रोल हो रही तो हैंड ब्रेक खींच देना है। अब आपको क्या करना, ब्रेक मत छोड़ो, गाड़ी को पहले गियर में एक्टिव करो, पूरा ब्रेक दबा के रखो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो। हो सकता है यहाँ थोड़ा एक्सीलेटर भी लेना पड़ जाए आपको। गाड़ी को होल्ड करना है क्लच पे, मतलब पीछे ना जाए, और छोड़ो थोड़ा, और अब ब्रेक छोड़ो। आप ब्रेक ही नहीं रिलीज कर पा रही टाइम पे। अगर आप ब्रेक नहीं रिलीज करोगे तो इंजन बंद हो जाएगा ना। 1% भी क्लच ज़्यादा नहीं छोड़ना है, आप ज़्यादा क्लच कंटिन्यूस क्लच छोड़ती चली जा रही हो। जैसे इंजन वाइब्रेट हो रहा है वैसे आपको वहाँ पे होल्ड कर देना है, और जाओ धीरे धीरे, साउंड सुनो ना इंजन का, बस। अब ब्रेक छोड़ो, छोड़ो ब्रेक, हल्का एक्सीलेटर पीछे आ गए, एक्सीलेटर लो हल्का सा, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, छोड़ो क्लच छोड़ो, धीरे धीरे जाओ जाओ, और जाओ और जाओ और जाओ, और स्टॉप, पूरा क्लच देन ब्रेक। आप ब्रेक ही नहीं लगा पाते टाइम पे तो क्या करें, आप क्लच पहले ले रहे हो, ब्रेक ले ही नहीं पा रही हो। आपका ब्रेक पे पहले पैर, अभी आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया, गाड़ी आपकी इतने में तो टकरा जाएगी। अगर आप कहीं भीड़ वाले एरिए में होगे तो इतने में तो गाड़ी आपकी भीड़ चुकी होगी ना, ब्रेक का खेल ही नहीं समझ पा रही हैं आप। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ब्रेक का ही सीन है पूरा,
भाई जब अभी आपने वहाँ क्लच वापस लिया था तो उससे पहले क्या करना था? तो आपने कहाँ ब्रेक लिया? गाड़ी पीछे आ गई आपकी, फिर सेम सेम ब्रेक का पूरा ब्रेक दब जाना चाहिए क्योंकि चढ़ाई पे हो आप। जाओ धीरे धीरे, हाँ जाओ, छोड़ो क्लच, हल्का एक्सीलेटर लो, हल्का एक्सीलेटर लो, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो। आप मैच नहीं कर पा रही, आप दोनों का ट्यूनिंग नहीं सेट कर पा रही है, क्लच और ब्रेक का ट्यूनिंग नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से बंद हो जा रही गाड़ी आपकी बार बार। आप टाइम को ना मेंटेन नहीं कर पा रही, जैसे टाइम का है ना कितने टाइम पे क्या है, वो बहुत लेट कर दे रही। जब क्लच लेना होता है तो आप क्लच नहीं ले रही हो, जब ब्रेक लेना होता है तो ब्रेक नहीं ले रही हो। स्टार्ट करो, अब अगर ऐसे करोगे तो ऐसे तो गाड़ी आपकी टकरा जाएगी ना, भीड़ वाले एरिया में या मॉल वॉल की पार्किंग में, इतने में तो एक दो लोगों की गाड़ी टकरा जाएगी। फिर थोड़ा सीरियस होके करो ना उस पर, बस अब ब्रेक छोड़ो, हल्का एक्सीलेट करो, छोड़ो क्लच धीरे धीरे, बस जाओ वापस स्टॉप, बस अब धीरे धीरे पीछे आने देना, धीरे 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 क्लच दबा लो, पूरा अपने आप पीछे आ जाएगी, बस और आओ थोड़ा, आने दो थोड़ा सा और, क्लच पूरा दबा के रखो, बस स्टॉप, और आओ थोड़ा सा और, क्लच को दबाओ, दबा लिया। अब यहीं से थोड़ा सा आगे खिसकाना है, गाड़ी टेढ़ी है आपकी, एक फीट ही आगे बढ़ाना, झाड़ में मत ले जाना, नहीं बम्फर वम्फर चला जाएगा। बस स्टॉप करो, आप क्लच दबा लो, पीछे आने दो, ब्रेक छोड़ो, हाँ आने दो पीछे, ब्रेक दबा रखा है आपने, नहीं टंग गई गाड़ी आपके ऊपर। चलो कोई नहीं, आगे लेके जाओ फिर पीछे आ जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप, थोड़ा सा आगे ले जाओ, फिर एकदम से क्लच दबा लेना, ब्रेक छोड़ देना, पीछे आ जाएगी। और जाओ और जाओ, पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, बंद हो गई गाड़ी, बंद हो गई, इंजन बुझ गया। फिर ब्रेक लगा लिया आपने? ब्रेक क्यों लगा रही हो? लगाया आपने ब्रेक, बैक लाइट जली, बैक लाइट तभी जलती है ब्रेक वाली लाइट जब आप ब्रेक लगाओगे, इसीलिए तो टंग गई फिर वो वापस। चलो बैक गियर डाल के नीचे उतार लो, धीरे 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 स्टॉप, अब जाओ फिर चढ़ाना यहीं से, फर्स्ट गियर करके फिर चढ़ाना, जाओ धीरे धीरे। ये स्लीपर की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं, इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई है, इतनी गाड़ी कभी भी बंद नहीं हुई है और आज बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। अगर पैंडल मैच नहीं हो पाएगा ना क्लच और ब्रेक वाला तो गाड़ी बार बार बंद होगी, अगर क्लच जरा सा भी आपने ज़्यादा छोड़ दिया तो इंजन बुझ जाएगा, कम छोड़ा तो बढ़ेगी नहीं। यहाँ पे एक्यूरेट क्लच का कंट्रोल समझना है, जाओ 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 हल्का एक्सीलेटर ले लो। ये पीछे क्यों आ रही है गाड़ी आपकी, पीछे क्यों आ जाती है, आप टाइम पे ब्रेक क्यों नहीं लगा पाती हो? हाँ टाइम पे ब्रेक क्यों नहीं लगा रही हो? जब गाड़ी एक बार रुक जा रही तो आपको वहीं पे तुरंत एक सेकंड में पूरा ब्रेक ले लेना, अभी देखो फिर जा रही है पीछे। लास्ट है ये, अब अगर इसमें कंट्रोल हो गई तो ठीक है, वरना निकल चलेंगे यहाँ से। आप पैंडल मैच नहीं कर पा रही हो, गाड़ी पीछे जहाँ पे बंद हो गई वहीं पे एकदम कंट्रोल हो जानी चाहिए, क्योंकि चढ़ाई पे ऐसे तो आपके पीछे गाड़ियाँ होंगी, इतनी गाड़ी 2 फीट 3-4 मीटर पीछे आने का मतलब है टकरा जाएगी। चलो कोई नहीं, बैक गियर डाल के निकाल लो,
बैक गियर डालो, हाँ पूरी इधर घुमा दो, राइट घुमा दो पूरी, फुल स्टीयरिंग पूरी राइट घुमा दो फुल, हाँ फुल फुल, जाने दो बस स्टॉप करो। अब आपने देखा नहीं, आपके लेफ्ट साइड में देखो पेड़ था, थोड़ी सी गाड़ी बची बस, हल्की सी, मुश्किल से 2 से 3 इंच। अब इसको पहले गियर में कर लो। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।